हाय, सो ये इन्फॉर्मेशन है उनके लिए जो नेपाल को टारगेट कर रहे हैं, और जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया एज ए बैकअप टू इंडिया, और याद कीजिए तब भी मैंने कहा था कि नेपाल कैन बी ए गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू टेक क्वालिटी कॉलेज, और आपके नंबर 137, क्योंकि नेपाल कैटेगरी क्वालिफाइड बच्चे को नहीं लेता है। सो फ्रॉम 137 अगर आपके 200-220 हैं और आप 70 लाख में पढ़ना चाहते हैं, 65 लाख में पढ़ना चाहते हैं, 1.25 करोड़ में नहीं, हॉस्टल मिला के हमेशा, उसके लिए फिर ऑप्शंस बढ़ जाती हैं अक्रॉस इंडिया। और यूपी की कट ऑफ ने वो साबित कर ही दिया है कि इस साल इस नंबर से कम के बच्चे स्ट्रगल करेंगे टू गेट अ सीट अगर हमारा बजट उतना है। तो क्या करें, अगर 75 का ही बजट है, सीट अच्छे अच्छी पढ़ाई करनी है और नंबर कम है, तो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नेपाल इंडिया का छोटा ही भाई है हर लिहाज से, सिर्फ ये है कि आपका एक साल फालतू जाता है, एक साल एक्स्ट्रा खर्च होता है। और फिर भी मैं कहूँगा, देखिए उस बजट में भी आप, अगर आपने कर्नाटका केरला का फॉर्म भरा है तो मोप अप में तुक्का लग सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर तुक्का लगता है, मतलब 10% चांस है कि आप मोप अप में आपको हरियाणा में भी या यूपी में भी या कर्नाटका केरला में, छत्तीसगढ़ में आपको मोप अप में बजट में सीट मिल जाए। 10-15-20% चांस होता है, और वो ना मिले तो क्या करें, तो उसके लिए नेपाल की भी वो नोटिस आ गया है। नेपाल में नीट क्वालिफाइड बच्चों के लिए डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा होती है, लेकिन वहाँ पर भी फिर भी हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, जैसे हमने नीट फॉर्म भरा था ना, वैसे नेपाल का एक MEC का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है। समय है अभी, वैसे सितंबर में चालू होगा तो आप और एक महीना सोच सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि नेपाल, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या कजाकिस्तान की तरह हज़ारों सीटें नहीं हैं, नेपाल में एग्जैक्टली 400 के समथिंग सीट्स हैं बच्चों के लिए, और फॉर्म चाहे बाद में खुलता है बट कॉलेजेस के साथ सीट बुकिंग पहले हो जाती है, और जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे देते हैं सीट बुकिंग का, उन्हीं को सीट मिलती है इवेंचुअली, जब फाइनल जो रिज़ल्ट है एडमिशन प्रोसेस का वो दिसंबर में होता है। तो सीट अलॉटमेंट दिसंबर में होगी, लेकिन सीट आपकी अभी बुक हो जाएगी। तो जो भी 24 के करीब कॉलेज है नेपाल में, जो भी आपको कॉलेज चाहिए, हर एक कॉलेज का एक्चुअली इवेंचुअल, देखिए नेपाल में ना सरकार ने फीस फिक्स कर रखी है $75,000 ट्यूशन फी फॉर ऑल द कॉलेजेस इंक्लूडिंग नेपाल के जो सरकारी कॉलेज हैं, जो टॉप क्लास हैं, मतलब कि वो नेपाल आर्मी मेडिकल और उस तरह के 2-3 हैं, BP कोइराला और IOM, तो ये 3-4 कॉलेज हैं। उसके अलावा सारे जो अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं वो टेक्निकली प्राइवेट है, काठमांडू मेडिकल कॉलेज हो या KUMS हो या किस्त हो या चितवन हो, नेपालगंज हो, नोबल हो, वो सब प्राइवेट में आते हैं। और फीस सबकी MRP जिसे मैं बोलूँ आसान भाषा में, वो 62 लाख है, और हॉस्टल वगैरह मिला के आपके 70-72 पड़ते हैं। तो कॉलेज लाइक जो मणिपाल पोखरा है वहाँ पर डेफिनेटली आपको पूरे 72 लाख देने पड़ेंगे, प्लस आपको ऊपर से भी कुछ डोनेशन देनी पड़ती है। बाकी जितने कॉलेजेस हैं उसमें आप ये मान के चलिए जितनी जल्दी आपने बुकिंग करवा दी उसके हिसाब से आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है फीस में। तो कोई कॉलेज 5% दे रहा है, कोई 10% दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। डेफिनेटली इसी 24 में दो बिल्कुल थके हुए कॉलेज भी हैं, मुझे नाम लेने में कोई शर्म नहीं है, जानकी मेडिकल कॉलेज या देवदा मेडिकल कॉलेज, वो आपको 20% डिस्काउंट भी दे रहे थे और 60 लाख के बदले 50 लाख की फ़ीस। तो अगर आप ये है कि सिर्फ डिग्री चाहिए, थके कॉलेज में जाने को तैयार हो, जैसे इंडिया के कुछ थके हुए कॉलेज हैं काफ़ी सारे जो हमेशा आपको बताता हूँ, तो आप उन दो में भी जा सकते हो, आपके पैसे और बच जाएंगे और शायद पूरी पढ़ाई आपकी 50 में हो जाएगी। लेकिन हाँ, 60 तक खर्च करेंगे तो आपको डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। मणिपाल चाहिए तो 72 जमा डोनेशन आपके 80 तक खर्च होंगे, तो मणिपाल पोखरा वही लेता है जो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेना चाह रहा है, और नेपाल सारी गाइडलाइंस फुलफ़िल करता है NMC की, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल बांग्लादेश दोनों के एडमिशन्स बाद में स्टार्ट होते हैं, बाई चांस इनसे अक्टूबर टू नवंबर दोनों का सेशन है वो जैन में स्टार्ट होता है, कंट्री का अपना अपना रूल है। बांग्लादेश में एक और वो तो ये वीडियो नेपाल का, तो नेपाल की बात करेंगे, ठीक है। तो नेपाल की ऑफिशियल वेबसाइट है, फॉर्म भरवाना है, कुछ भी हो हम हेल्प करते हैं। तो आपको नेपाल में एडमिशन लेना है, अगेन फील फ्री टू कॉल अस ऑन 9643362320। अगेन आई रिपीट, हमारी फ़र्स्ट कॉल तो चार्जेबल ही रहती है, 2,500 रुपये फॉर फ़ोन कॉल, 5,000 रुपये फॉर फेस टू फेस, और नेपाल का जो हमारे काउंसलिंग चार्जेस हैं वो फिक्स रहते हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा फ़ोन पे, जो आपकी पूरी एंड टू एंड गाइडेंस हेल्प, आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाना रजिस्ट्रेशन का, वो सब हम करते हैं। ओके, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।